हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे और मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ खा रही हूँ। बंगाली में इसे कहते हैं लैद खाना। लैद मतलब वी आर फीलिंग एक्सट्रीमली लेजी, द वेदर आउटसाइड इज एक्सट्रीमली हॉट विच इज मेकिंग यू फील एक्सट्रीमली टायर्ड। सो दैट इज माई स्टेट ऑफ माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और मैं खा रही हूँ लैद। अभी बंगाली इंसान के पास अगर आप जाके बोलोगे ना, अरे भाई लैद लाचे, दे आर गोइंग टू बी लाइक ओ माई गॉड यू आर माई ब्रो, यू आर माई ब्रो। दे आर इंस्टेंटली गोइंग टू इंक्लूड यू इन योर कम्युनिटी बिकॉज दिस इज दैट फेमस। एंड आई मीन लैद खाची। गर्मी के दिन में नहा के कोई फायदा नहीं बिकॉज द नेक्स्ट मोमेंट यू फील हॉट एंड स्वेटी अगेन, इज द सेम शिट ऑल ओवर अगेन। बट घर में हो गई है थोड़ी सी दिक्कत इन द सेंस, क्योंकि वैसे आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में पानी की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, बट क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो शायद इतना ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी तक फेस नहीं किया है, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक यू नो चेन्नई एंड प्लेसेस जहाँ पे पानी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में चल रहा है। बट वाटर टेबल बहुत ही तेजी से डिक्रीज कर रहा है और जिस लेवल में पहले पानी मिलता था अभी उस लेवल में पानी नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली सेम सिचुएशन सेम प्रॉब्लम घर में चल रहा है कि जिस लेवल पे हम लोगों का पंप पहले था अभी उस लेवल पे कोई पानी मतलब अभी उस लेवल पे पानी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। सो इसके वजह से और भी ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, वहां पे पंप लगाना पड़ेगा, फिर पानी निकलेगा। सो दैट्स अ टास्क और शायद अगले 2-3 दिनों में ही शायद ये काम होने वाली है घर में। सो आई कैनॉट इवन इमेजिन, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज होती थी जो कि हम लोगों को यू नो बहुत आसानी से मिल जाती थी। एंड मुझे तो जेन्युइनली सोच के कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगता है कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे और कितने सारे प्रॉब्लम्स के साथ हम लोगों को डील करना पड़ेगा। लाइक जैसे पहले पानी वॉज लाइक अ नॉर्मल लाइक यू नो घर में मिल जाता है एवरीथिंग, बट शायद जब हम लोग बड़े हो जाएंगे पानी इज गोइंग टू बी वन अनदर एंटिटी जिसपे हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट इन द सेंस मतलब पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इनफेक्ट लाइक जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देते हैं तो इंटरनेट के बिल्स देते हैं, तो वैसे अभी पानी का भी बिल्स देना पड़ेगा। इनफैक्ट काफी सारे मेट्रोपोलिटन सिटीज में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट नॉर्थ ईस्ट में यू नो रहने का ये फायदा था अभी तक कि मैं कभी इस सबसे नहीं गुजरी थी, बट प्रोबेबली थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट नाउ। बट मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन है इसका। वाओ, आप लोग फॉलो कर सकते चाहिए तो। जैसे कि हम लोग एक बाल्टी पानी लेते हैं उसमें नहाते हैं तो एक बाल्टी में कम से कम 5-6 लीटर पानी तो आ ही जाता है। लाइक आई एम टॉकिंग लाइक अ वेरी नॉर्मल मीडियम साइज बाल्टी 5-6 लीटर, इनफैक्ट प्रोबेबली अ लिटिल मोर देन दैट। हमारे घर में 7 मेंबर हैं और हफ्ते में 7 दिन होता है, तो मैंने सोचा है कि अभी हर एक एक दिन एक एक जन को एलोकेट किया जाएगा। जैसे कि मंडे को मैं नहाऊंगी, ट्यूसडे को मम्मी नहाएंगे, वेडनेसडे को पापा नहाएंगे, थर्सडे को कोई और नहाएगा। सो यू नो देखो दिन में अगर 6-7 लीटर बचाया जा सकता है तो आई मीन क्यों नहीं, इजंट दैट अ प्रैक्टिकल आइडिया। वैसे भी गर्मी के दिन में नहाते हो और थोड़ी देर बाद फिर से पसीना हो जाता है, सो व्हाट्स द पॉइंट यू नो। इससे अच्छा कि ना नहाओ, ढेर सारा डीओ लगाओ, बहुत सारा डीओ खरीदो, डीओ के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, वहां से प्रॉफिट मिलेगा और पानी भी बचेगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी लॉजिकल एंड रैशनल आइडिया। मैं मम्मी को प्रपोज करूंगी ये वाला, बस मम्मी मुझे चप्पल से ना पीटे। आप मानोगे नहीं मेरे साथ जस्ट क्या हुआ। उड़ते हुए मच्छर को तो बहुत लोगों ने मारा है, एक मच्छर ऐसे उड़ रहा था, मैंने हाथ को ऐसे दिया उसको मारने के लिए और ये मेरे 2 उंगली के बीच में से वो मच्छर निकल रहा था। इन दैट मोमेंट, उस मोमेंट में मैंने अपनी उंगली को ऐसे किया और वो मच्छर मर गया। आई मीन लाइक मैंने बस 2 उंगली के बीच में से मच्छर मारी है। आई कैन पुट दैट ऑन माय सीवी एंड माय रिज्यूमे राइट। आज संडे का मैंने फुल यूटिलाइजेशन किया, मैंने इतना सुई मैं घोड़ा बेच के सुई, घोड़ा तो क्या, घर में जितने भी सामान है मैं सब कुछ बेच के सुई। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्मों जन्मों से नींद की भूखी और पिछले हफ्ते की जितनी भी थकान थी वो शायद आज मैंने कोटा कंप्लीट किया है। माई गुडनेस, मैं इतना सोई, आई कांट इमेजिन। और अभी मुझे रात को नींद नहीं आएगी एंड देन द विशियस साइकिल इज गोइंग टू गो अगेन। तो चलिए एक बार देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। चलो चलो आते हैं। ओ रात के खाने के लिए आशीष अदा भाई, रात के खाने के लिए है आज नान और आई थिंक चिकन बना है प्रॉबेबली आज ना, 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 ना,
चिकन। ओ वैसे नान की एक स्टोरी है, तो मम्मा ने पहली बार जब नान बनाया था घर पे और नान बनाना सीखा था, उस वक्त मेरे अंकल जो थे वो हैदराबाद में थे और हम लोगों ने फोन पे उनको इतना सुनाया कि ओ माय गॉड नान वाज सो टेस्टी एंड एवरीथिंग। वो वापस आते ही तुरंत उनकी पहली फरमाइश यही थी कि भाभी मुझे नान कब खिला रही हो। सो आई थिंक लास्ट मंडे को अंकल वापस आए एंड दिस इज द संडे, सो आज घर पे बन रहा है नान ऑन माय अंकल्स डिमांड। Cheers. सैटरडे शाम को जितनी खुशी होती है संडे शाम को उतना ही दुख होता है, इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट अभी क्या करें, संडे के बाद तो मंडे आना ही है, तो ठीक है आएगा, हम आपसे मिलेंगे दोबारा मंडे कल। आप अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल, बाय।